फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ डाबर के आयुष काढ़ा के बारे में। वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा किस तरह का यह प्रोडक्ट है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसका कंपोजिशन है, कैसे इसको सेवन करना है, कितनी मात्रा में इसको सेवन करना है, दिन में कितनी बार सेवन करना है, क्या इसके साथ सावधानियां हैं। तो इन सब पहलुओं के बारे में चर्चा करने के लिए अपने वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं डाबर के आयुष काढ़ा के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में है एक डिब्बी जिसमें कुल मिलाकर के 200 ग्राम दवाई भरी गई है, जिसको कहते हैं डाबर का आयुष काढ़ा। कुछ इस तरह का यह आपको पास से नजर आता है, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में इसकी जो है जानकारी आपको दी गई होती है। साथ ही इसका कंपोजिशन आदि इसके ऊपर बहुत ही स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया होता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसका कंपोजिशन एक बहुत ही कॉमन जनरल फॉर्मुलेशन होता है, जो कि विभिन्न कंपनियों के जो आयुष काढ़ा बनाए गए होते हैं सभी में समान आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे ऊपर इसमें रहता है तुलसी 4 हिस्से, उसके बाद में दालचीनी और सौंठ 2-2 हिस्से, सबसे लास्ट में रहता है काली मिर्च 1 हिस्सा। तो यह इसका एक फिक्स फॉर्मुलेशन होता है और इन सबको एक साथ ले करके थोड़ा दरदरा कूट करके पाउडर बना लिया जाता है। ग्रेन्यूल्स की शेप में यह हो जाता है और पैकिंग इसकी कर दी जाती है, तब इसका नाम रहता है डाबर का आयुष काढ़ा। अब बात करते हैं कि इसका सेवन करने से फायदे क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो आयुष काढ़ा रहता है, यह हेल्थ मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पर इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पिछले साल कोरोना पैंडेमिक की स्टार्टिंग होने के बाद में, क्योंकि विभिन्न रिसर्च ट्रायल्स के आधार पर यह आयुष काढ़ा बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला साबित हुआ था। रोगों से लड़ने की शरीर की जो एक प्राकृतिक शक्ति होती है उसको एनहेंस करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव यह आयुष काढ़ा रहता है। उन सबके अलावा गले में खराश, फेफड़ों को साफ करने के लिए, जमा हुआ बलगम को निकालने के लिए और थोड़ा सा डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी इसके रिजल्ट देखने में आ रहे हैं। चूंकि बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, कहा जाता है कि बॉडी इज द बेस्ट फिजिशियन, अर्थात शरीर ही अपने आप में सर्वोत्तम चिकित्सक है और यह किसी भी बीमारी को सबसे पहले अपने आप से ही खुद ठीक करने की कोशिश करता है। यदि आपकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, स्ट्रोंग है, तो बॉडी बीमारियों को अपने आप ही खत्म कर लेती है। और यदि इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रोंग नहीं रहती है तो हमें उसको एक्स्ट्रा मेडिकेशन या विभिन्न रेमेडीज देने की जरूरत होती है, जिससे कि बॉडी कैपेबल हो जाती है रोगों से लड़ने की और अपने आप को हेल्दी कर पाती है। तो इसी तरह से किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो तो शरीर वायरल इन्फेक्शन से अपने आप ही लड़ करके उसको खत्म करता है। जितना भी वायरस लोड बॉडी में एक्टिव हो गया है, कॉलोनी डेवलप हो गई है, उसको अपने आप से ही खत्म करके वायरस को बॉडी के अंदर निगेटिव कर पाती है। तो ये आयुष काढ़ा बॉडी के इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए जो एक जरूरी विलफुल है बॉडी की, उसको एनहेंस करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यह आयुष काढ़ा आपको सेवन कैसे करना है। तो इसको सेवन करना बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। एक समय में 3 ग्राम की मात्रा में, अर्थात लगभग आधा चम्मच की मात्रा में आपको यह आयुष काढ़ा लेना है। 2 कप पानी के साथ में डाल देना है, उसको इतना पकाना है कि पकते पकते पानी 1 कप रह जाए। उसके बाद में इसको आपको छान लेना है, उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, रूह अफ़ज़ा मिला सकते हैं, फ्लेवर के लिए कोई भी चीज़ आप उसमें मिला सकते हैं और इसको आपको गर्म ही ड्रिंक करना है। कुल मिलाकर के 1 दिन में 2 बार पीना सफिशियंट है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज़्यादा डर गए हैं और फिलहाल के समय में आयुष काढ़े का दिन में 4-4, 5-5 बार, 10-10 बार तक सेवन कर रहे हैं, वो सही नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं उनकी प्रकृति थोड़ी सी उष्ण रहती है, जिसके कारण बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं। तो दिन भर में आप 2 बार पीजिए, सफिशियंट रहता है। चाय के साथ भी आप इसको थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है कि इसको सिंपल प्लेन वाटर के साथ में काढ़ा बना करके ही आप सेवन इसका करें। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसकी जो प्राइसिंग है वो कितनी रहती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 ग्राम की पैकिंग में ये आयुष काढ़ा डाबर का आपको उपलब्ध होता है और इसकी जो कीमत है 280 रुपये पैकेट के ऊपर मेंशन की गई है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में आपको यह मिल जाता है
ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने कभी यदि आयुष काढ़े का सेवन किया है, किस कंपनी का आयुष काढ़ा आपने सेवन किया था, कैसा उसका रिजल्ट रहा, कैसा आपको उसका टेस्ट लगा, इसको बेहतर बनाने के लिए आपने साथ में क्या चीज ऐड की, ये सब आप एक फीडबैक के तौर पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि फिलहाल इस पैंडेमिक की कंडीशन में लोग बाग इस आयुष काढ़े के बारे में सही जानकारी पा करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारा आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।